बागली तहसील के चापड़ा में संचालित डायल 100 पायलट स्टाफ ने आज एक बार फिर मानवता का परिचय दिया है। एक वन प्राणी के प्रति प्रेम व लगाव उनमें देखा गया। जंगल में मिले लावारिस एक हिरण के बच्चे को सुरक्षित वन विभाग के हवाले किया गया। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह बागली के ग्राम मातमोर से एक किसान ने डायल 100 पर एक इवेंट लिया था। डायल 100 पायलट संजय उपाध्याय प्रभारी रघुवीर सिंह ठाकुर मौके पर पहुंचे और जंगल से मिले लावारिस हिरण के बच्चे को अपने साथ लेकर पुलिस चौकी चापड़ा लाए, जहां पर उन्होंने बच्चे की देखभाल की। इसी दौरान इस मामले की जानकारी वन विभाग के रेंजर गजानन बिरला को दी गई। इसके पश्चात वन विभाग कार्यालय बागली से वन विभाग के कर्मचारी चापड़ा पहुंचे, जहां पर डायल 100 के स्टाफ से मुलाकात कर मौका पंचनामा बनाकर हिरण के बच्चे को अपने सुपुर्द लिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि हिरण का बच्चा लगभग 2 या 3 दिन का ही है, जंगल में अपनी माँ से बिछड़ गया है। अन्य जानवर उसका शिकार न करें, इसलिए उसे सुरक्षित वन विभाग के हवाले किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। सुबह 100 डायल पर इवेंट आया था, देवास से हमको इवेंट मिला था। ये धर्मेंद्र जाट ने इवेंट लिया था मातमोर से, तो उनके खेत पर ये हिरण का बच्चा था। हम वहाँ गए मौके पर, तो देखा वो छोटा बच्चा है, तो कोई दूसरा जीव कोई इसको हानि ना पहुँचाए, उस हिसाब से हम इसको सुरक्षा के हिसाब से यहाँ चापड़ा चौकी पर लेके आए थे। यहाँ लाने के बाद हमने फिर वन विभाग के लोगों को सूचना दी, वहाँ से अभी वन विभाग से के कर्मचारी आए थे यहाँ पर चापड़ा में आकर उन्होंने मौका पंचनामा बनाया और हमने उस बच्चे को उनके सुपुर्द किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।